नमस्ते दोस्तों, बुलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज है शनिवार और आज से एक नया सीरीज शुरू हो रहा है, बाल महाभारत कथा। यह बुक क्लास 7 की हिंदी की सप्लीमेंट्री बुक है और अब हर शनिवार इसका एक भाग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें आने वाले नए और कठिन शब्दों के अर्थ इंग्लिश में भी लिखे हैं ताकि जिन्हें हिंदी समझने में दिक्कत होती है वो आसानी से इसे समझ सकें। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं बाल महाभारत कथा भाग एक, महाभारत कथा का सारांश। सारांश यानी समरी। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्र वीर राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी
कि 12 वर्ष के वनवास के बाद एक वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। बाल महाभारत कथा का पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगला पाठ है देवव्रत, जो अगले शनिवार पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।